तमाम राज्यों में। यूपी पुलिस जहां मुंबई में आज वेब सीरीज को बनाने वाली टीम से पूछताछ कर सकती है, और इस बीच ये बड़ा अपडेट है तो वहीं अब जबलपुर में वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में इस वेब सीरीज को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, तो आज मुंबई में नजर रहेगी। वहां पर जो लखनऊ से टीम गई है पुलिस की, वो मेकर्स से पूछताछ करेगी, और साथ ही खबर ये भी मिल रही है कि जो अमेजोन के डायरेक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए लगातार, क्योंकि यहां पर बात इस बात को लेकर बवाल हो रहा है कि इस वेब सीरीज में कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसे दृश्य हैं जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, भावनाएं आहत हो रही हैं। अब ये चार तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में यूपी पुलिस पहुंच चुकी है और वहां पर जो फिल्म के इस वेब सीरीज के मेकर्स हैं उनसे आज पूछताछ हो सकती है, और टीम तांडव से सवाल होंगे गंभीर। वहीं जबलपुर में भी केस दर्ज हो गया है और विवाद अब तेज हो रहा है। देश के तमाम हिस्सों से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। विरोध के बाद खबर बड़ी ये है कि तांडव में बदलाव के लिए जो मेकर्स हैं वो राजी हो गए हैं। पहले माफी मांगी, एक लेटर जो है ट्वीट के जरिए वायरल किया गया, उसमें माफी मांगी थी। ये कहा गया था कि हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम किसी की भावनाएं आहत करें, और अब कुछ सीन हटाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इन सब पर अपडेट लेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, इस पर लगातार बड़ी कवरेज हमारी जारी है। दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, बड़ा अपडेट वहां से देंगे क्योंकि यूपी से पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है और एमपी सरकार भी काफी सख्त है इस पूरे मामले को लेकर। अशोक तिवारी लखनऊ से अपडेट हमें देंगे और जम्मू से पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इन सभी के पास आपको लिए चलेंगे। उससे पहले यह बड़ी खबर, मुंबई पहुंची है यूपी पुलिस की टीम, बीकेसी थाने में टीम तांडव से हो सकती है पूछताछ। ये बड़ा अपडेट, आपको बता दें कि यूपी में हुई एफआईआर के बाद पुलिस मुंबई में तांडव की टीम से पूछताछ कर सकती है, तो आज का दिन काफी हलचल भरा रहेगा मुंबई में। अब ये पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए प्रदर्शन कहां कहां पर हो रहा है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, भोपाल, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, और अब बैन करने की मांग है। हालांकि मेकर्स कह रहे हैं कि कुछ सीन हम हटा देंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि इस वेब सीरीज को बैन किया जाए। सीधे मुंबई लिए चलते हैं बिना देरी किए, दीपक दुबे आपके पास आते हुए। देखिए देश भर में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन मुंबई में आज हलचल तेज रहेगी क्योंकि यूपी से पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है मेकर्स से पूछताछ करने के लिए। क्या है आगे की जानकारी? जी आपको बता दें कि इस वक्त अमेजोन के ऑफिस के बाहर जो मुंबई के बांद्रा बीकेसी इलाके में स्थित है वन इंडिया नाम की बिल्डिंग, वहां पर मुंबई पुलिस के द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो हमें जानकारी मिली है कि यूपी पुलिस की टीम कल यहां पर पहुंच चुकी है और अमेजोन के जो कंटेंट हेड हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके साथ साथ जो निर्माता निर्देशक हैं, राइटर हैं और इस फिल्म से जुड़े हुए एक्टर हैं उनसे यूपी पुलिस की आज लखनऊ पुलिस की पूछताछ की जानी है। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो आज दिन भर चलनी है। लखनऊ पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई है, मुंबई पुलिस को इस बात की सूचना दी जा चुकी है। मुंबई पुलिस ने एहतियात अमेजॉन ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो विधायक हैं राम कदम, जो पिछले चार दिनों से लगातार तांडव वेब सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने वाली थी तो आखिर उन्हें क्यों रोका गया, जबकि तमाम वो सबूत वीडियो सौंपे जा चुके थे और मुंबई पुलिस ने राम कदम यानी कि बीजेपी के विधायक राम कदम को यह भरोसा दिया था कि ये आपत्तिजनक वीडियोस हैं, जो कंटेंट दिखाया गया है वो आपत्तिजनक है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो ऐसे में इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। राम कदम के मुताबिक इस पूरे मामले में प्रोसेस भी शुरू किया गया था लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के चलते यह एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी।